कर रहे हैं चेकआउट और अभी बज रहे हैं 11:30 बज गए। तो रात पूरी एक गलियों में घूमे यार, जोधपुर की गलियाँ थी सामने घूम के। रात को मैं 1 बजे होटल मिला था, मैं तो भाई नींद में था, तो आगे सो गया, ब्लॉग व्लॉग कुछ बनाया नहीं। तो अभी हम चाह रहे हैं जोधपुर सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, देखते हैं क्या क्या चीज़ इधर है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, तो आपको भी दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं और अपना बैग वैग सब कुछ रेडी है, अभी गाड़ी में अपना सामान लोड करेंगे, अपना लगेज वगैरह रख के चलते हैं। सो गाइस, ये था अपना रूम होटल का, जो कि ब्रेकफास्ट वगैरह वहाँ पर लगता है, और जो डाइनिंग हॉल बना रखा है पूरा बड़ा सा, और कुछ स्टेप लगा रखा है होंगे, कुछ ऐसा ऐसा है अपना स्टे। ये एंट्री है, यह तो अच्छा, ये अपनी गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी है अपनी, और ये सामने थोड़ा वहाँ को बना रखा है इन्होंने, और ये लड़कियों के बदन कैसे बना रखी है, इधर लड़की इधर भी लड़की खड़ी है, अभी भाई कुछ भी बना देते। ये सब था कुछ अपना होटल सिद्धार्थ। तो अभी चलते हैं सीधा रूम में। ये देखो गाइस, ये सारे पत्थर, ये ना ये वही है जयपुर वाले लाल लाल से पत्थर है, उधर वो गोल्ड थे, इधर ये लाल है, ऐसा ही है बस। पत्थरों पे ये पत्थरों की घटना ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं, ये वो लोग बोल रहे थे पत्थर की मोटा होता है तो अंत तक गर्मी जाती नहीं है, इसलिए ज़्यादातर इधर घर इसके बने होते हैं। और देखो यार, एक ये बड़ा राम द्वार, श्री बड़ा राम द्वार है, पत्नी मंदिर क्या है कुछ तो होगा। तो अभी हम चले जा रहे हैं, आगे से हमारा होगा ये लेफ्ट, इधर से लेफ्ट लेना है हमको। हम पहुंच चुके हैं जोधपुर का जो फोर्ट है उधर, ये भाई ऐसे बना हुआ है नीचे, और ये पहाड़ भी टिके हुए हैं सारे फोर्ट, और इधर से पूरी सिटी दिख रही है जोधपुर सिटी। तो भी दिखाते हैं उतर के गाड़ी। गाइस अभी हम पार्किंग में जा रहे हैं गाड़ी पार्क करने के लिए, और कुछ ऐसा है ये फोर्ट, इधर से एंट्री हो रही है चेकिंग वेकिंग करके पूरी, और मेन गेट जो है वो ये है सामने, ऑटो आ रहा है आगे, ये ऑटो और ये गाड़ी वाले निकलेगा, तो दिखाता हूँ आपको मेन गेट। तो ये है मेन गेट, अभी हम जा रहे हैं नीचे। तो गाइस हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी है उधर छाँव में, छाँव तो क्या ही है, छोटे छोटे पेड़ है, और ये है फोर्ट। तो अभी फोर्ट के अंदर चल रहे हैं, इधर से कूद जाएंगे क्या उधर जाना, कंप्यूटर वाला तो ऐसे नहीं है, ऐसे पत्थर हैं, लाल पत्थर बिल्कुल लाल हो रखे, पता नहीं किस्मों का खून पिया होगा इन पत्थरों ने, कोई पानी वानी है मेरे को लग रहा है, सारा वेस्टेज वाटर जो इसी में इकट्ठा होता होगा, कृपया इस तालाब कूड़े नज़दीक नहीं जाए, इसमें नहाना हाथ वहाँ धोने की सख्त पाबंदी है, ताला कुंड की गहराइया देखे इसलिए इसे दूर दूर से रखने के लिए ना, ओ भाई ये बहुत गहरा है, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, सांप कीड़े हो रखे हुए, गंदा हो रखा है, कौन इसमें हाथ मुंह धोएगा लिखा हुआ है, तो पता नहीं इसमें क्या याद होगा, कुंडा क्या है, कुछ पता ऐसा नहीं क्या है। तो कुछ ऐसा सा व्यू आ रहा है अभी, और आपको दिखा दूँ उस साइड जोधपुर सिटी है और इस साइड भी है, तो देखो बाउंड्री देख रहे हो कितनी दूर, तो बाउंड्री कर रखी है ऊपर पावर टावर लगा रखा है, तो भी चलते हैं अंदर। गाइस ये है जोधपुर सिटी, तो इसीलिए पता नहीं क्या है, ताजमहल सा कुछ, ताजमहल सा पता नहीं क्या बना रखा है, तो इतनी बड़ी है, और उधर भी है, उधर भी दोनों साइड है, तो टीले भी नहीं उधर भी हैं। चलो एंट्री लेते हैं फोर्ट में। तो गाइस ये है अपना फोर्ट, काफ़ी ऊंचा है यार, तो अभी हम जा रहे हैं फोर्ट में, एंट्री ले रहे हैं, कुछ ऐसी ऐसी एंट्री है, चेकिंग पे हमारी सेल्फी स्टिक रख ली है उन लोगों ने। तो ये है फोर्ट, ऐसा सा फोर्ट है कुछ भाई, ऊपर क्या है पता नहीं क्या लगा हुआ है, ये है कुछ फोर्ट की एंट्री। टिकट काउंटर, टिकट लगती है भाई, इधर इतनी भीड़ लगी हुई है, टिकट वीट लेंगे अब देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हमने टिकट ले चुकी है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि अपना आईडी कार्ड लेके आते हैं कॉलेज वाला, और उसमें वैलिड डेट होनी चाहिए, जो कि मतलब करंट में वो चलना चाहिए, वैलिड डेट जरूरी देखते हैं वो, जो एंड डेट होती है। तो हमने टिकट ले ली अंदर, 200 रुपये की टिकट होती है, 100 रुपये ऑफ मिल गया, तो अंदर चलते हैं देखते हैं क्या क्या है अंदर, चलो चलते सीधा फोर्ट के अंदर। ये एक और गेट सा आ रहा है इसमें बना हुआ है, पेड़ भी है पुराना, तो ये कुछ चीज़ें बना रखे हैं, ये शॉप है इधर की फोर्ट की,
पाल की शॉप एंड कैफे, दोनों एक कैफे इधर है और शॉप इधर है, और ये फिर इधर से दोबारा जाए भाई। देखो पत्थर, सारा पत्थर पे बना हुआ है ना, पत्थर के पहाड़ पे पूरा कट करके बनाया हुआ है। पर ये पता नहीं क्या ही चीज़ है, इधर से इधर जाने का रास्ता है, पता नहीं क्या है, कुछ सामान वामान भेजते होंगे, कुछ तो होगा पता नहीं। तो ये है, और देखो ये पत्थर, ऐसा पत्थर है ये लाल बिल्कुल। और ये गेट जो कि ख़राब हो चुके थे तो उतार के रख दिए साइड में, शोपीस बना दिया इनका ऐसे ही खड़े कर दिए बेचारे। सुबह जी है एंट्री, और भाई इसमें भी गाड़ी अंदर आ रखी है भाई, ये गाड़ी आ रही है अंदर, पहले इसको जाने देते हैं। भी लिखा हुआ है कुछ पढ़ लेना, जो कि है किले की सफील पर तो को लेकिन शान से सब कुछ है, तो ऐसा सारे पत्थर है बाकी, और ये फॉरनर वगैरह बहुत है। तो ये है हम किले के अंदर, और इधर से ये रहा तोप, ये जोधपुर के ऊपर क्यों चला रहे हैं लोग, तो ऐसा सा है कुछ भाई। देखो ऐसे इधर जा रहा है फिर ऊपर जाना है, ओ भाई कितना ऊंचा है, मतलब पहाड़ पे, पूरा पहाड़ पे बना हुआ है। अरे जो फ्लाइंग वगैरह कुछ वो है लगा रखा है, ये तो अंदर जाना मना है बंद है, ऐसे तोप चलाते थे वही है जिसमें जैसी तोप ही है, ऐसी तोप होती थी लेकिन उस पर आगे डिज़ाइन बनी हुई है। और ये कुछ नीचे से ऐसा व्यू है, और उधर कैफे है कोई रूफ पे, और ये पूरी सिटी है, और ये सिटी ना हुआ है मतलब कुछ ब्लू ब्लू कलर पेंटेड है, तो ऐसा सा कुछ है। ये गेट भी है, पता नहीं एंट्री के लिए क्या होगा। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, ऊपर से कुछ ऐसा सा व्यू है, ऊपर भी जाना है, काफ़ी ऊपर जाके यार, फिर ऊपर जा रहे भाई। देखो कितनी चढ़ाई है इधर, कैसे चढ़ते होंगे यार घोड़े तो लेके उनको भाई, बहुत ऊँची चढ़ाई है, तो पूरा पहाड़ भी बना हुआ है ना, तो ऐसा सा है कुछ। ये वही लकड़ी लोहा है, तो भाई चढ़ाई की चढ़ाई है, बहुत चढ़ाई है इधर, कुछ बना रखा है, लोग इधर बैठे हैं, इधर ठंडा है बाहर बहुत गर्मी है। ओ भाई बहुत ऊँची चढ़ाई है, ये देखो भाई ये है व्यू। सो गाइस अभी आ चुके हैं ऊपर, और भाई देखो कितना ऊंचा ही बना रखा है इन लोगों ने, ओहो अलग ही पोस्ट चल रहे हैं, वीडियो रील्स बन रही है, और ये कुछ गेट्स है, देखो कीले लगा रखी है कीले गेटों में, क्योंकि अंदर ना घुस पाए, और ऊपर से भी चढ़ सकते हैं। ये कुछ ऐसा सा है, ये पता नहीं किसका हाथ है, पर देखो पता नहीं ऊपर किसके क्या ही चिड़ियों ने बना रखा है, किसने बना रखा है, पता नहीं कुछ तो बना रखा है, ये ब्लैक ब्लैक हो रखा है। तो ये देखो कितना डीप है, ऊपर चले जा रहे हैं, ये हाथों के निशान है पता नहीं किसके हैं, ये ऐसा सा व्यू है कुछ। और ये आ चुके हम ऊपर, ओ भाई ये ब्यूटी भी इधर ही है, तो ऐसा सा है कुछ व्यू। देखो ये इधर शॉप म्यूजियम बना रखी है, कुछ लोगों को सामान वाले ना तो ले सकते हैं, और इधर ये है कैफे, तो ये है ये कैफे है ऐसा सा कुछ, और रेट देख लो काफ़ी महंगा कैफे है, ऐसा सा है कुछ। तो इधर भी हमारी चेक हो रही है टिकटें, म्यूजियम अंदर जाएंगे इधर से हम, तो ये है कुछ एंट्री म्यूजियम, ये सूरजपुर जो ये पता नहीं क्या लगा रखा है, कुछ तो है पता नहीं क्या है, कुछ तो है। तो भाई दीदी नीचे ऊपर आते ही लुक एट द व्यू भाई साहब,
ये क्या सीन है भाई, क्या ही सीन है भाई, मस्त है भाई, मस्त भाई। देखो डिज़ाइन, देखो कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन बना रखी हैं। देखो जूम करके दिखाता हूँ, धूप आ रखी तो अच्छा जूम हो जाएगा। देखो भाई सारा चीज़ डिज़ाइन से हो रखा है। और अंदर ये म्यूज़ियम है, आप कुछ लेके चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। ये जो है ना पर्दे वर्दे जो छेद वर्दे दिखाते हैं, ये सब रानियों के लिए था, क्योंकि रानियाँ सीधा नहीं देख सकती थी ना, तो इधर से देखती थी। और ये जितना भी है ऐसा लग रहा था जो वुड का बना हुआ है, लेकिन ये सारा पत्थर का। और पहले जो कुछ मशीन तो होती नहीं थी, तो सारा छेनी हथौड़े से बनाया हुआ भाई, सारा छेनी हथौड़े से बनाया था भाई। भाई क्या ही चीज़ें बना रखी हैं भाई, आना वर्थ रहा। तो ये सीधा मैं बोल रहा म्यूज़ियम द्वारा म्यूज़ियम जाएंगे, तो वो पालकी खाना है, अभी म्यूज़ियम में चलते हैं फिर आगे दिखाते हैं। और देखो उधर ना ये जो ये तोपे रखी हुई हैं, एक उधर है एक उधर है, आई थिंक रास्ता बंद कर रखा है इधर जाने का, क्योंकि लोग मेरे को कोई दिख नहीं रहा है। तो ये तोपे हैं जो कि उस तरफ से कोई आए तो उनको रोकने के लिए, और ये तो है ही। तो चलो चलते हैं सीधा अंदर, बहुत देर से बोल रहा हूँ अंदर जाना, अंदर जाना है। तो ऐसा सा है कुछ अंदर, ये है एलिफेंट का लिखा हुआ, हाथी और दालरी का फ्रेम की फ्रेम में उभरा हूँ। ऐसे तो बैठ के जाते थे हाथी में, ऐसे ऐसे रख जाते थे ऊपर राजा के लिए, राजा लोग बैठ के जाते थे। तो ऐसे चीज़ है, ये भी एलिफेंट का ही है, एलिफेंट होता है ये भी। ये दूसरा है, ये भी है। देखो सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आप आ सकते हो इंग्लिश दोनों में। एलिफेंट के ऊपर बैठे जाते थे, और इधर कुछ बना रखे हैं जो पुरानी कुछ, हाँ कुछ आर्ट वगैरह बना रखी है। और ये भी है होदा, ये एलिफेंट होदा, तो माप वगैरह सारा कुछ सब कुछ लगा हुआ है, कब बने थे कब क्या हुआ था। और भाई मस्त लग रहा है। और ये भाई ये जो शीशे से बना हुआ है, ये भी है एलिफेंट होदा। ये देखो जो छाता हुआ लगा हुआ है, सारा कुछ ऐसा सा कुछ बनाया हुआ है। और ये सारे इधर जो हाथी होदा ही दिख रहे हैं, एलिफेंट होदा जितने भी हैं सारे ऐसे बने हुए, लेकिन काफ़ी सुंदर बने हुए हैं। और ये ना पूरा बाद में पेंटेड हुआ है, क्योंकि म्यूजियम में तो मेंटेन अच्छे से किया हुआ है। ये है, ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, 18वीं सदी के सारे। और देखो ये वाली दीवार पेंट नहीं हुई है, तो पहले ऐसा पत्थर हुआ करता था। ओहो एक देखो पंखे भी लगा रखे, पंखे के लिए जगह बनी हुई है। ये भी है, ये थोड़ा अलग है, मखमल का है। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ मैंने दिखा दिया, तो पढ़ लेना जगह। तो इस वाले में म्यूजियम में यही था, अब देखते हैं आगे वाले में क्या होता है। भाई ये व्यू मस्त है भाई। ओ हो भाई क्या व्यू आया है। तो गाइस इधर पानी पीने के लिए बना रखा है कुछ, और ये है पालकी खाना। पालकी खाना में हम एंटर कर चुके हैं। ये पालकी हैं, मतलब रानियाँ बैठ के जाती थी ना, कुछ ऐसे बैठ के जाती थी, देख लो जी ऐसे थी बैठ के जाना, ऐसे बैठते थे राजा रानी दोनों बैठते होंगे। ये बना रखे अच्छे से जाते थे, ये बना रखे थे, और अच्छी से कवर्ड है ऐसा से है। ये कुछ सब क्या लिखे हुए हैं, कौन सी पालकी है, ये पिंजास है, पिंजास बोलते हैं उसको, पिंजास बोलो मैं, पिंजस है वो पाली है, पालकी है। पालकी ऐसी होती है जो उठा के ले जाते ना, उठा के ले जाते थे। ये भी है, ये भी पालकी है, ये सिंपल सोबर से है कुछ। तो देखिए ये रजत खासा इसको रजत खासा बोलते हैं। और ये रही एक और, ये भी पालकी है, कुछ ऐसी पालकी है, और अंदर से कुछ ऐसा है, देखो ऐसी होती थी अंदर से, ऐसी थी अंदर से खिड़कियाँ बंद, स्लाइड वो स्लाइड ऐसा है। और ये भी नॉर्मल आ गई, ये पालकी नॉर्मल है जो खुली होती थी। ये थोड़ी डिज़ाइन बना रखी है इस पर, इसको बोलते हैं तम श्याम, ये शादी वगैरह के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, वो तो कहीं जो पास में जाना हो ना, ये पास में जाना हो तो उसके लिए, ये शादी वगैरह में लेके आते तब के लिए, ये पास में घूमने के लिए, ये ऐसा सा कुछ है। वहाँ फैन वैन लगे हुए हैं, और ऐसा बनाया हुआ था। और पीछे देखो, पीछे भी उसमें लाइट लगी हुई, पीछे कुछ तो है, मतलब पत्थर ही अकेले में और क्या ही होगा। तो ऐसा सा ये, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
भाई ये व्यू मस्त आ रहा है इधर से, भाई ये व्यू मस्त है यार। तो ये कुछ ये बुरा हो गया, ओका ओका ये पेन किलर के लिए यूज़ कर देते। और ये तस्वीर स्टूडियो, तो ये देख के आते हैं। ये तो सारी तस्वीरें लगाई हुई हैं, पता नहीं पुरानी है नहीं है, तो पता नहीं क्या है, तो सारा कुछ है, मतलब फ़ोटो क्लिक करा सकते हो आप ऐसे कुछ है। ये बना रखे हैं लोगों ने, मतलब उधर पैसे देकर फ़ोटो क्लिक करा सकते हो। तो इधर हमें कुछ कराना नहीं है, तो अभी आके हम आ चुके हैं इस साइड नर्सिंग मदर रूम, क्योंकि ये इधर है। ओ हो हो, ये क्या है, ये तो हमने देखा ही नहीं। ये ऊपर ऑफिस के लिए, सिर्फ ऑफिस वाले ही जा सकते हैं सर। ये कुछ पुरानी है लेकिन हम ऊपर चलेंगे अभी। ये ऐसा व्यू है, ये पिकॉक इन डिजर्ट ऐसा था ये बनाया हुआ है। अभी इधर चलते हैं अंदर, दौलत खाना है, मतलब ये सारी चीज़ें लगाई हुई जो मतलब कीमती थी वही। ये है हमारा वही था, अरे वो पता नहीं वो। और ये है, ये बना है पुराना, ये भी काफ़ी। ये है तोरण, तोरण और मोर, ये कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाई हुई है तोता और मोर का, उसका बनाया हुआ है। और ये भाई देखो डिज़ाइन, ये तो आई थिंक बाद में बनाई होगी। तो अभी खाते पहले फ्रंट में, ये क्या है, ये पालकी मेहरो माडूल है, तो काफ़ी बड़ी होती थी, बस वो देखने का लगा हुआ है। ये उस टाइम की तलवारें, ऐसे तलवार पर रखते थे, और ये तलवारें हैं, उधर देखो लिखा हुआ है सारा कुछ, महाराजा अजीत सिंह की तलवार है ऐसी हुआ करते। सबका लिखा हुआ, सबसे अलग अलग तलवार होती थी भाई, और देखो उसमें डिज़ाइन बनाया हुआ है, काफ़ी बनाया डिज़ाइन बनाया हुआ, सारा कुछ डिज़ाइन बनाया हुआ है। पर्दे हुआ करते थे। और ये है महाराजा गंज सिंह, महाराजा सिंह है ऐसे थे, महाराजा गंज सिंह उसको कटार बोलते हैं, कटार है क्योंकि पकड़ के घुसा देते थे पेट में, वो सा लगा तो बहुत क्लोज से करते थे सारा कुछ। मेटेरियल लिखी हुई है, जिन डिटेल होते सारी ढाल है, ढाल ऐसी हुआ करती थी, उसकी भी डिज़ाइन बनाया हुआ है। और ये उनका वो होता था सर पर पहनने के लिए हेलमेट, अपने पॉकेट में लिखा हुआ। और ये है मैटलॉक बंदूक, तो होता है पता नहीं कैसी बंदूक हुआ करती थी, ये कुछ बंदूक थी ऐसी कुछ, पता नहीं क्या से मुखी बोला दिया था, चाबी लड़ाई धोई हुई थी। ये चुस्की है, मतलब कि तो इसमें कहाँ से चुस्की पिया, ये चुस्की है ये तुम्हारा, ये पान वाला बक्सा है, बक्से पान उन पहले लोग खाते थे, पान वगैरह का पेन बॉक्स है, कलमदान है, चौपाट है, सारा कुछ है बनाया हुआ है, तो ऐसा था। और ये है कुछ पुरानी और चीज़ें तो काफ़ी संभाल के रखी हुई है इधर, क्योंकि कुछ ऐसा सा है। और ये है उस टाइम का हुक्का, जो कि लोग काफ़ी इन्जॉय करते थे, सराठी, सराठी है जब तक वाइन वाइन पीते थे, वाइन वाइन रखते थे सामान कुछ उसमें, ये सारा वाइन का रखा हुआ है सारा कुछ, देखो सारा कुछ लिखा हुआ है क्या क्या, सुरोई उरोई इतनी जैम जाम सराठी सारा कुछ मेंशन है, क्या क्या की चीज़ें सारा कुछ। तो और ये है वो महाराजाओं की पोशाक, पहले पोशाक हुआ करती थी, ये शाही वस्त्र जो होते थे, हरे सूती के कपड़े पहनते थे लोग। तो देखो भाई क्या ही कलाकारी कर रखी है, कुछ ऐसा हुआ करता। तो भाई ये सब पढ़ लेना भी, दादा जो कि मैं बोल रहा हूँ मैं दिखा रहा हूँ सर जल्दी। तो ये देखो ये भी कुछ है, तो पहले ऐसे रेलवे स्टेशन हुआ करते थे, ये सारा कुछ बनाया हुआ है इधर। और आगे ये है गड़गोड़ देवी की मूर्ति है, जो कि अच्छी बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है, अच्छे कपड़े पहने पहना के,
देवियाँ होती होंगी इस टाइम पे, मतलब होती तो हमारी अब भी हैं, देवी देवता हैं बहुत सारे हमारे तो। और ये देखिए ये हैं ताले, क्योंकि हमारे लोग होते लोहे के ताले बने हुए हैं, उनकी चाबियाँ देखो कैसे कैसे बड़े बड़े होते थे। और ये वाला तो वो आपको बताया था मैंने उधर है, दोनों मतलब दो चाबी सबके पास होती है, चार चाबी लेकिन इसमें तो। और ये हो गए कॉइन्स, जो कि पहले कॉइन्स चिला करते थे सारे, ये सारे कॉइन थे, ऐसे कॉइन हुआ करते थे सारे के सारे। ये लाइट ब्लिंक कर रही है, देखो अब ठीक रहेगा, अब ठीक है। ये मुगल्स कॉइन है, ये मरवार के कॉइन्स हैं, और ये प्राचीन स्टेट कॉइन्स हैं, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स हैं, जो कि ऐसे हैं मरवार के सिक्के कॉइन्स हैं, मरवार सारा कुछ ऐसा था। बस इसमें ये है, और इसमें है एक गन जो कि है बंदूक तोड़दार, कुछ ऐसी बंदूक हुआ करती थी देखिए भाई, लकड़ी की है और नीचे से ऐसा हुआ करता था, उसमें ये सिस्टम हुआ करता था इनका, बांधा हुआ थी ये तब चलती थी, और इसमें गोली मोटी रखी होगी बारूद का, तो ऐसा कुछ था। और यही था कुछ ऐसा था इसका ये वाला म्यूजियम। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। भाई व्यू देखो, व्यू देखने वाला है इधर बिल्कुल मस्त मस्त। अभी आगे फोटोग्राफी बंद है तो उधर नहीं दिखा सकते, अभी अंदर चलते हैं देखते हैं अंदर क्या है। और भाई ये तो भूल ही गए, ये से भी तो होगा पता नहीं कैसे, मगर बस क्या ही गया बनाया हुआ है, कुछ तो बनाया हुआ है जैसे चलने करते ऐसा था, कुछ डिज़ाइन है इसका ऐसा है, तो यही था इधर अंदर लिखा हुआ था। फ्लैश नहीं जलानी है तो फ्लैश के लिए, और देखो मरवार पेंटिंग्स हैं कुछ ऐसा हुआ करता था, ये सारा कुछ लिखा हुआ है मरवार के थार डेजर्ट हो गया, मारवाड़ ऐसा हो गया, और रेवर रेंज ये हो गया लूनी, और राजस्थान पूरा पूरा जितना भी है मारवाड़ ये रेड एरिया था, रेड हो रखा है ऐसा सा कुछ है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है इनका, आप पढ़ सकते हो। और देखो ऐसे हुआ करता सारा कुछ, ना ट्रांसफॉर्स करते आर्ट बनी हुई है तब की। और देखो महाराजा ये क्या है, ये किसी का पत्र भेजा हुआ है पहले ऐसे होते थे सरदार म्यूजियम का, तो ये है ये कुछ इसमें था लेकिन वो बंद कर रखा है, पता नहीं क्या था कुछ तो होगा। और ये चीज़ तो सबको पता ही है मटेरियल पेंटिंग का, कैसे पेंटिंग का होते थे, अरे ना पता नहीं कुछ अजीब सा ही मटेरियल है देखो, कुछ इससे पेंट किया था येलो संग रंग पीला रंग कैसे रंग बनते थे, तो सारा ऐसा हुआ करता था, वाइट चाक सब कुछ लिखा हुआ है। और कुछ ऐसा सा है ये पिंक फिंगर ऑफ गुलाबी चट्टाने ऐसी बनी हुई है, किसी ने बनाई हुई है देखो, ये ड्राइंग्स हैं सारी ये काफ़ी अच्छी से बनाई हुई है, ये तो आपने काफ़ी कार्टून्स में देखे होंगे, कार्टून्स आते रहते हैं जो कहानियाँ बनाते रहते हैं, अभी लिप्स से सारा कुछ बनाया हुआ है। सूर्यवंशी के मारवाड़ के लिए सब कुछ लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हो। और ये देखो इधर सब कुछ लिखा हुआ है, कौन कैसे था सारा कुछ लिखा हुआ है इधर, कब किसका नंबर था कौन नंबर था सारा कुछ लिखा हुआ है इधर, एक नंबर से उधर से स्टार्ट होते थे, एक दो नंबर का है, दो नंबर दिखी है मतलब देख लेना कुछ ऐसे हुआ कर देते पेंटिंग बनाई हुई पेंटिंग है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कब कब बनी थी, जोधपुर 1850 में बनाई हुई थी ऐसा देखते तब तो लोगों ने तो पेंटिंग कर देते थे ऐसे भाई, काफ़ी पुरानी पुरानी पेंटिंग्स हैं जो इधर लगाई हुई है, मेरे को पता नहीं मतलब ये रियल है क्या है पता नहीं अभी तो भाई, कुछ भी लोग कुछ ऐसी बनी हुई है सबका अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो रुक रुक के मतलब पॉज करके देख सकते हो। तो ये भी कुछ है ऐसी, सारा कुछ बाज भाई ये देखो सारी की सारी वही पेंटिंग्स बनी हुई है, कब किससे बनाई थी सारा कुछ वही लिखा हुआ है, ये 1800 में बनी हुई थी जो ऐसे ऐसे बनाए हुए थे लोगों ने, ये सारी पेंटिंग्स टोटल इसमें पेंटिंग्स वगैरह सारा यही कुछ मटेरियल है। और देखो ये कुछ बना रखा था जब थोड़ा बड़ा रखा है, तो आंटी फोटो खिंचारी आंटी, तो अभी हम रुक के चलते हैं थोड़ा फिर से ये स्टार्ट हो गया सारा कुछ। एक चीज़ दिखा दो तो मैं देख रहा मैं जूम करूँगा कैसी फोटोज आएंगे, देखो ना ये बिल्कुल असली सोना लगा हुआ है इनमें, क्योंकि अच्छे से बनाई हुई है, राजा हो गया और फ्लैश के अंदर मना किए हुए देख रहा हूँ सारा कुछ नाम वगैरह लिखे हुए हैं। और ये देखो ये चीज़
भाई काफी ज्यादा रियल दिखता है। ओए ओए भाई एक चीज बारीकी देखो, बारीकी से बनाया हुआ देखो, सारा सोने का हुआ करता था सारा कुछ, ऐसा सारा कुछ सारा बिल्कुल। तो ये आगे ऐसे बनाया हुआ देखो, काफी प्रीमियम बनाया हुआ है। और ये जो है ये होली खेलते थे ना तब की पेंटिंग बनी है, होली की पेंटिंग है, सारे लोग होली खेल रहे थे, महाराजा जा रहा है भाई वो देखो क्लियरिटी, क्या ही क्लियरिटी से बनाया हुआ सारा कुछ एकदम एकदम, आप देख रहे हो अच्छा लग रहा है रियल हो तो भाई क्या ही पेंटिंग है, सारा कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर है। कुछ देखो उसमें ना सोना लगा हुआ है, देखो कितना चमक मारी ना, तो सोने जैसे सोने और इससे बनाए थे पहले पेंटिंग जो बनती थी, मैंने दिखाया था आपको पहले उसका मटेरियल यूज होता था, सारी पेंटिंग ऐसी है भाई देखो, जूम कर लो कितना भी जूम करोगे आप उतना ही मतलब ये क्लियर व्यू आएगा। देखो ये है, देखो भाई क्या क्वालिटी है इनकी भाई, बिल्कुल रियल चीज़, सारी चीज़ रियल है, इसमें सोना लगा हुआ, चांदी लगी हुई है, सब कुछ लगा होता है, तो भी पेंटिंग बनाई हुई है बहुत। ये सारा सोने से बना हुआ है, ये पूरा पैलेस था इनका, पैलेस से रहते थे पूरा पैलेस, और देखो सोने से डर थे, तो भाई क्या पेंटिंग भाई सब कुछ लगा हुआ है, क्या हुआ अरे खिड़कियाँ देखना, खिड़कियाँ देखो ये कुछ टूटा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ डिज़ाइन बाहर को लिखनी, तो वो डिज़ाइन भी बनाई हुई है, कैसे लग रहा है जैसे सकते हो आग निकली हुई हो। ये है पोलो गेम, जो गेम हुआ था सब खेलते हैं घोड़े पे, आजकल भी खेलते हैं तो गेम है पोलो। सो ऐसे इधर भी कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं सेम कैसे मारो, तो भाई ये देखो काफ़ी पुरानी है पता नहीं, और ये मंदिर की बनाई हुई है, मंदिर की माता की पूजा करते हुए सारे। और ये देखो ये आर्ट भाई, आर्टिस्ट भी थे इधर के लोग काफ़ी आर्ट, तो मैं जल्दी दिखा आपको इधर का भी दिखाता हूँ। ये है पूरा, ये ऐसे लगा जैसे हवा में उड़ रहा हो कटोला, और ये सारा ये देखो होली का है, ये होली का हुआ है, इधर लिखा हुआ है किसी आर्टिस्ट ने कब बनाई है, सारा कुछ लिखा होता है। तो चलो हम अंदर चलते हैं, पर देखो वो चीज़ वो दिखा रहा था ना, तो मैं ये चीज़ देखो थोड़ा सा जूम करो, देखो ये चीज़ भाई अलग ही चीज़ है। सो गाइस अभी हम चल रहे हैं नेक्स्ट, ये है वॉक टू डिस्कवर, वॉक अप टू डिस्कवर, ये है सी स्मेल पूरा तगत विलास वगैरह, जो कि हम ऊपर जाएंगे देखने के लिए। तो सीधी सीढ़ियाँ कुछ ऐसी बनाई हुई है, गोल सीढ़ियाँ बनी हुई है, देखो भाई दिख रहे हो सीढ़ियाँ कुछ ऐसी बनी हुई है, काफ़ी डिज़ाइन से सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं लोगों ने भी। तो चलो चलते हैं ऊपर जल्दी से, ऐसी पत्थर की सीढ़ियाँ हैं, ये पत्थर बना हुआ है, ये तो रेलिंग शायद पर बाद में लगाई होगी ऐसा है। ये कुछ पुरानी है जो कि शीशे में कवर कर रखे हैं, पुराने कपड़े हैं ऐसे टेंट हुआ करते थे, और देखो ना ये जले हुए हैं, देखो आपको दिख रहे हैं जला हुआ कपड़ा है, जला हुआ है फिर ख़राब हुआ कुछ तो हुआ है, तो ऐसे ही पहले कपड़े हुआ करते थे, चादर टेंट हुआ करते थे, ये कुछ तो बनाया हुआ है इधर पता नहीं क्या है, मतलब माता वाता का पैर है कुछ भी कुछ, और कुछ ऐसे टेंट हुआ करते थे पहले, रेती तो हुई हुई है, और टेंट के अंदर देखो भाई ये बेड के नीचे की चादर देखो ग्रीन कलर है, इसमें ग्रीन कलर है और ऐसा टेक्सचर बना हुआ है सारा, ऐसा सा कुछ है, और देखो ऊपर डिज़ाइन बनी हुई है, ऐसी डिज़ाइन है सारी पूरा अच्छे से डिज़ाइनिंग में गिरी हुई है। तो ऐसा सारा लिखा हुआ क्या बेड शीट हैंगिंग है, पर वो पर्दे थे वो तो पर्दा है, चिक्स रेड स्क्रीन्स पर्दे फ्लोर। तो और ये है पोशाक, पहले ऐसी पोशाक थी अंगरखा बोलते हैं उसको, ऐसी सी है कुछ लिखा हुआ है अंगरखा। तो ये पर्दा है, ये भी पर्दा है, और इधर जाना बंद है आई थिंक, इधर हम लोग जा नहीं सकते, इधर दूसरे से रास्ता होगा। तो ये है कुछ रॉयल टेंट्स, ऐसे टेंट्स हुआ करते रॉयल, देखो और हम जाएंगे सी स्मेल के अंदर, देखते हैं सी स्मेल को, इधर से है सी स्मेल, ये देखो ये कपड़ा, ये देखो कपड़ा ऐसा सा कपड़ा है,
ऐसा लग रहा है रियल है, लेकिन वो पेंटिंग बनी हुई है वो तो पता है। और एक ये भी एक पर्दा ही है, ऐसे वो पर्दा हुआ करते थे ऐसे भाई पेंट, मतलब अच्छे से कढ़ाई वढ़ाई करके सारा कुछ डिजाइन बनाया तब बनाया हुआ था। अब दिखाता हूँ आपको शीश महल, जो कि इधर का शीश महल है, और पता देख लिया ये है शीश महल। ओहो तो सारे इसमें शीशे से हुआ था खाना वाना पता नहीं क्या ही करते थे। तो ऐसा सा है कुछ शीश महल, पूरा शीशा का बना हुआ है पूरा, उसमें लाइट्स वगैरह झूमर वगैरह लगाए थे। ये शीश महल बीच में उसमें कुछ उसको लगाया हुआ, वो अभी दिखा दूँ दूसरे एंगल से इसका। और देखो ये कुछ बच्चों के कपड़े जो बच्चे पहनते, मतलब उनके जो बच्चे सजाते थे वो पहनते थे, ऐसे कुछ ड्रेस वगैरह हुआ करती थी, स्पेशल ड्रेस बनती थी उनके लिए। मतलब उसकी पहनी हुई भी है, अचकन बोल रहे थे अचकन पोशाक, अचकन सारा कुछ। और ये साड़ी वगैरह ये मतलब लेडीज़ का था, ये लेडीज़ पहनती थी ऐसे ऐसे, मतलब बना तो हुआ तो ऐसा ही है, वो पता नहीं कौन पहनता था। तो ऐसी लाइट्स वगैरह लगा रखी हैं। ये है कुछ शीश महल इधर का, काफ़ी सुंदर है।